हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएलएस एकेडमी। हमारा लेक्चर कंटिन्यूएशन है प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन प्योरिफिकेशन का, और ये लास्ट पार्ट है। लगभग सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, कवर कर ली हैं। कुछ बची हुई चीज़ें सब यूनिट वैक्सीन प्योरिफिकेशन की आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसी के साथ में ये टॉपिक, हमारा पर्टिकुलर टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इसके चार पार्ट्स पढ़े जा चुके हैं, ये फिफ्थ पार्ट है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको भी देखिए, ताकि आप अगर पढ़ें तो चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ। क्योंकि ऐसा होता है कि बेसिक चीज़ें पहले डिस्कस हो जाती हैं और फिर एडवांस लेवल पे चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। इसीलिए बेसिक से अगर आप लोग चलते हैं तो आपके लिए भी समझना आसान होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस एनालिटिकल टेक्नोलॉजी इन प्रोटीन प्योरिफिकेशन। प्रोटीन प्योरिफिकेशन में प्रोसेस एनालिटिकल टेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है, तो चलिए देखते हैं। द क्वालिटी ऑफ अ फार्मास्यूटिकल और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इज टिपिकली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाई एन एरे ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट। कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, तो उसकी क्वालिटी क्या है, इसको आप कैसे पता करेंगे? सिंपली आप टेस्ट करेंगे, लैबोरेट्री में उसके टेस्ट होंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर बायोलॉजिकल या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। और ऐसा नहीं है कि एक सिंपल टेस्ट, यहाँ पे एक एरे ऑफ लैबोरेट्री टेस्ट होता है। बहुत सारे टेस्ट एक साथ में किए जाते हैं that are performed after completion of manufacturing, and as such it is too late to make corrections if a batch is out of specification। ये ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि आपका प्रोडक्ट जब बन के रेडी हो चुका है तो उसके बाद में ये टेस्ट हो रहे हैं, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग ये टेस्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि आपने ढेर सारा बैच अपना लिया, जिससे कि आपने प्रोडक्ट बना लिया अपना। अब आपके पास में आपका बहुत सारा प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया। अब आपने इस प्रोडक्ट का टेस्ट किया, चेक किया, अगर सब वेल एंड गुड है तब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, फिर आप क्या करेंगे? अब तो आपने पूरा का पूरा प्रोडक्ट बना के रख लिया है, अब आपका पूरा ही प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो गया। तो यही होता है, इट इज़ टू लेट टू मेक करेक्शंस। अब आप यहाँ पे करेक्शंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक बार जब मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है तो प्रोसेस को रिपीट तो नहीं आप कर सकते। हाँ, नया प्रोडक्ट बनाएंगे तब तो रिपीट होगा, आप करेक्शन करके नई प्रोसेस को बनाएंगे, नया प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन उसी जो प्रोडक्ट बन चुका है उसमें करेक्शंस नहीं कर सकते। इफ़ अ बैच इज़ आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, अगर आपको जो स्पेसिफिकेशन चाहिए है प्रोडक्ट में वो नहीं है, तो आपका जो प्रोडक्ट बन के रेडी हो चुका है आप उसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे, करेक्शंस नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे ज़रूरत आई, एक ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो कि ये टेस्ट भी कर ले, क्वालिटी को भी पता कर ले, और ये जो प्रोडक्ट है वो भी डिफेक्टिव ना हो, प्रोडक्ट भी आपका अच्छा खासा रेडी मिले आपको। सो दी अकॉर्डिंग टू दी सेंटर फॉर ड्रग इवेल्युएशन एंड रिसर्च, जिसको कि CDER बोलते हैं, आप इसको भी याद रखिएगा, कोई भी आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। और FDA, PAT इज अ सिस्टम फॉर डिजाइनिंग एनालाइजिंग एंड कंट्रोलिंग मैन्युफैक्चरिंग। एक सिस्टम डिज़ाइन किया गया जिसका नाम है PAT। ये है जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उस टाइम पे किस तरीके से सिस्टम हो कि आपका प्रोडक्ट क्वालिटी उसकी पहले ही चेक हो जाए। तो ये जो PAT है, ये डिज़ाइनिंग एनालाइजिंग और कंट्रोलिंग मैन्युफैक्चरिंग, ये काम होते हैं इसके थ्रू टाइमली मेजरमेंट। एक पर्टिकुलर टाइम पे जब प्रोसेस हो रही है, प्रोडक्ट आपका बन रहा है, उसी दौरान टाइम पे, समय समय पे ये मेजरमेंट करता रहता है क्वालिटी का, मेजरमेंट ऑफ क्रिटिकल क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स ऑफ रॉ एंड इन प्रोसेस मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस विद द गोल ऑफ इंश्योरिंग फाइनल प्रोडक्ट क्वालिटी। ये जो PAT सिस्टम है, ये क्वालिटी और परफॉर्मेंस को
समय समय पे मीजर करता रहता है। जो आपका रॉ प्रोडक्ट है, जब आपने स्टार्ट किया है प्रोडक्ट बनाना, और जो इन प्रोसेस मटेरियल है, इन प्रोसेस मतलब जब प्रोसेस चल रही है उस दौरान जो मटेरियल्स हैं यूज़ किए जा रहे हैं, ताकि जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को इंश्योर किया जा सके अकॉर्डिंग टू दी FDA गाइडलाइंस। तो ये पैट सिस्टम यही काम करता है कि अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को बीच बीच में मेज़र करता रहता है प्रोसेस के, ताकि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बन के रेडी हुआ है उसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो, और अगर कोई भी एरर होती भी है तो प्रोसेस के दौरान ही उसको करेक्ट कर लिया जाए। The PAT initiatives। अब ये PAT initiative क्या है? The PAT initiative was created by the CDER branch of the US FDA in 2002 में इसको क्रिएट किया गया था, एंड वॉज एम्ड एट प्रोवाइडिंग गाइडेंस फॉर एम्प्लॉइंग एनालिटिकल टेक्निक्स। और इसका मेन एम क्या था, PAT initiative क्यों लिया गया था, ताकि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में आपको एनालिटिकल टेक्निक्स को कैसे अप्लाई करना है, कैसे डिज़ाइन करना है, ताकि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को इन प्रोसेस चेक कर पाएं। फॉर प्रोड्यूसिंग स्मॉल मॉलिक्यूल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, स्मॉल मॉलिक्यूल वाले फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए इसको स्पेशली क्रिएट किया गया था, लेकिन धीरे धीरे एडवांसमेंट होते रहे और अब ये लार्ज स्केल पर भी यूज किया जाता है। इन रीसेंट ईयर्स पैट प्रोसेसेस हैव बिकम एन एस्टैब्लिश्ड टूल टू प्रमोट एंड इम्प्रूव क्वालिटी एंड प्रोडक्शन एफिशिएंसीज इन द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। अब रीसेंट ईयर्स की बात करें तो ये जो पैट प्रोसेस है इसका बहुत ज़्यादा यूज होने लगा है इवन लार्ज स्केल पे, और ये एक इस्टेब्लिश्ड टूल बन के आया है जो कि क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है। प्रोडक्शन एफिशिएंसी कैसे बनेगी, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और मैन्युफैक्चरिंग के बाद में क्वालिटी चेक की, आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, पूरा बेकार हो गया, लेकिन ये जो पैट है ये तो इन प्रोसेस चेक कर रहा है, ये आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये तो जो बनके रेडी हुआ है वो तो पूरा का पूरा आपको मिलने ही वाला है, क्योंकि उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। तो क्या होगा, प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपके चांसेस कम होंगे कि कोई भी डिफेक्ट आता है या प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आता है। द सक्सेस ऑफ अर्ली इम्प्लीमेंटेशन इन ए स्मॉल मॉलिक्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस have led early adopters to explore PAT techniques and processes for potential use in biopharmaceutical products। जब इसका small scale पे use किया गया, small manufacturing process में use किया गया, तो इससे पता चला कि अब PAT techniques को अगर और ज़्यादा explore किया जाता है तो large scale पर भी इसको हम use कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इनमें changes होते रहे और अब इनका ऑल्दो अभी भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारी टेक्निक्स को इवैल्यूएट किया जा रहा है, और ये भी देखा जा रहा है कि कैसे इसको इतना बेहतर बनाया जा सके कि लार्ज स्केल पे ये बहुत एफिशिएंटली वर्क कर पाए, बट स्टिल इसका बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में यूज़ होने लगा है। करंट पैट एप्लीकेशंस इन डाउनस्ट्रीम प्योरिफिकेशन प्रोसेस। डाउनस्ट्रीम प्योरिफिकेशन प्रोसेस में पैट के क्या एप्लीकेशंस हैं, तो चलिए देखते हैं। अ टिपिकल प्रोटीन प्योरिफिकेशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल यूनिट ऑपरेशंस। जो प्रोटीन प्योरिफिकेशन की प्रोसेस है हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ भी चुके हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, एक ही स्टेप में नहीं होती, मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी यूनिट ऑपरेशंस होते हैं।
इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू कॉलम क्रोमेटोग्राफी, हमने देखा था कि कैसे इसका रोल है प्रोटीन के प्योरिफिकेशन में, एंड मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। इनके अलावा भी बहुत सी टेक्निक्स हमने पढ़ रखी हैं, अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं तो आपको याद भी होगा और समझा भी होगा आपने कि क्या क्या यूज़ है इनका प्रोटीन के प्योरिफिकेशन में। तो यहाँ पे सिंपली ये बताना ये चाह रहे हैं कि बहुत सारे यूनिट्स का यूज़ होता है तब जाके आपकी प्रोटीन प्योरीफाई हो पाती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ ईच प्योरिफिकेशन स्टेप ऑन द ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्रोसेस कंसिस्टेंसी। ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी टेक्निक, जो भी यूनिट आप यूज़ कर रहे हैं, हर एक प्योरिफिकेशन के बाद में जो प्रोडक्ट आपका बनके रेडी होगा, कहीं उसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा। जैसे कि आपने पहले एक टेक्निक यूज़ की, क्रोमेटोग्राफी यूज़ की, और उसके बाद में आपने मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन किया, फिर आपका जो प्रोडक्ट है, अब आप ये चेक करेंगे कि ये क्रोमेटोग्राफी या फिर मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन की वजह से कोई प्रोडक्ट में कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं, कोई डिफेक्ट तो नहीं आ गया, प्रोडक्ट सेफ है या नहीं, ओवरऑल प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई भी चेंज तो नहीं हुआ है। और ये भी होता है कि जो प्रोसेस है वो कंसिस्टेंट है भी या नहीं, मतलब आप इन टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं तो ये टेक्निक्स कहीं पे प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रही हैं कि प्रोसेस की कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है जब आप प्रोटीन प्योरिफिकेशन की प्रोसेस को कर रहे होते हैं। The PAT requirements for each step may be different. जो PAT requirements हैं हर एक step के लिए अलग अलग हो सकती हैं, and the critical quality attributes of each step needs to be identified. जो भी हर एक step है उसका critical quality attribute क्या है, हर एक जो step आप use कर रहे हैं वो overall product की quality पे अपना क्या effect डाल रहा है, इसको identify करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ट्रेडिशनल केमिकल एनालिसिस लाइक STSPs, वेस्टर्न ब्लॉट एंड प्रोटीन एसेज, ट्रेडिशनली ये चीज़ें यूज़ की जाती थी प्रोटीन के प्योरिफिकेशन के लिए। ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम प्योरिफिकेशन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस हैव बीन परफॉर्म्ड इन ऑफलाइन लेबोरेटरीज। और ये जो प्रोसेसेस हैं ये काफ़ी लंबे समय से यूज़ की जा रही हैं, ट्रेडिशनल प्रोसेसेस हैं प्रोटीन के प्योरिफिकेशन के लिए, लेकिन अब ऐसा टाइम है कि डाउनस्ट्रीम प्योरिफिकेशन के लिए तरह तरह के टूल्स और टेक्निक्स को बनाया गया है जिनको कि यूज़ किया जा रहा है। अब देखते हैं कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको बनाया गया है, जिनको कि प्रोटीन प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। सो न्यू डाउनस्ट्रीम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट टू सपोर्ट पैट इम्प्लीमेंटेशन, नई नई टेक्नोलॉजीज़ बनाई गई हैं डाउनस्ट्रीम प्योरिफिकेशन के लिए ताकि पैट इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट किया जाए। जो पैट टेक्निक्स हैं जो कि प्रोटीन के प्योरिफिकेशन को आसान बना रही हैं उनको सपोर्ट किया जा सके। The primary analysis required for downstream processing are molecular identification. जब भी आप downstream processing कर रहे हैं starting होती है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि उसका molecular formula क्या है, वो molecular structure किस तरीके का रखता है। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है molecular identification, उसके बाद में quantification and qualification, उसकी quantity क्या है और किस क्वालिटी का आपका प्रोडक्ट है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि प्राइमरी एनालिसिस के तौर पे की जाती हैं, जिनकी ज़रूरत होती है एज अ प्राइमरी एनालिसिस। द मोस्ट पावरफुल एंड यूजफुल एनालिटिकल टेक्निक टू कंसीडर फॉर सच डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इन द पैट कॉन्टेक्स्ट आर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एनालिटिकल स्केल सेपरेशन मेथड्स। जो सबसे ज़्यादा पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक्स हैं वो हैं
स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत बड़ी सपोर्टिव टेक्निक है पैट के लिए। इसको सेपरेशन के लिए यूज़ भी किया जाता है और ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि बहुत अच्छे से सेपरेशन कर पाती है, सेपरेशन मेथड दैट कैन कैरेक्टराइज प्रोडक्ट ऑन अ मॉलिकुलर बेसिस। ये मॉलिकुलर बेसिस पे प्रोडक्ट को कैरेक्टराइज्ड करने के बाद में उसका सेपरेशन करती है। तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये पैट को बहुत अच्छे से, बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से सपोर्ट करती है। The use of high performance liquid chromatography, HPLC का नाम सभी ने सुना होगा, उम्मीद है कुछ लोगों ने शायद ऑपरेट भी किया हो HPLC का। कि आप क्वांटिफिकेशन करते हैं किसी भी चीज़ का तो उसके लिए यूज़ करते हैं, क्वालिटी को चेक कर पाते हैं। तो इट इज़ एन ऑनलाइन एनालिटिकल टूल, ये एक ऑनलाइन एनालिटिकल टूल है। ऑफलाइन एनालिटिकल टूल्स क्या होते हैं, अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा है, SDS पेज है, वेस्टर्न ब्लॉट है, ये सारे ऑफलाइन एनालिटिकल टूल हैं। HPLC है, HPTLC है, ये सारे ऑनलाइन एनालिटिकल टूल हैं। तो इट इज़ एन ऑनलाइन एनालिटिकल टूल फॉर डाउनस्ट्रीम प्योरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ प्रोटीन्स हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड। नई प्रोसेस बनाई गई हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी प्रोटीन्स के सेपरेशन के लिए। However, the main drawback of this technique for process characterization appears to be related to the complexity of fully automated HPLC system and their attendant control process. अब इसमें जो main drawback है, main problem आती है, वो ये है कि HPLC system बहुत ज़्यादा complex होता है। Fully automated system होने के बावजूद ये बहुत complex system है और इसको handle करने के लिए भी जो अटेंडेंट है वो भी प्रॉपर ट्रेंड हो और बहुत अच्छे से वर्क कर पाए। क्योंकि अगर उसमें प्रोसेस में कोई भी दिक्कत आती है तो आपका जो रिजल्ट है, जो कैरेक्टराइजेशन है, वो वेरी करेगा, वो डिफर करेगा, तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेन चीज़ यही है कि इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। डाउनस्ट्रीम प्योरिफिकेशन एंड आउटलुक, डाउनस्ट्रीम प्योरिफिकेशन के बारे में बहुत डिटेल में हम स्टडी कर सकते हैं और हमने की भी है हमारे प्रीवियस लेक्चर में, पूरा का पूरा लेक्चर ही हमने किया है, इवन दो चार लेक्चर सिर्फ और सिर्फ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग पे किए हैं। लेकिन डाउनस्ट्रीम प्योरिफिकेशन है क्या, एक आउटलुक इसका यहाँ हम देखने वाले हैं। In biopharmaceutical industry, downstream processing has recently become a hot topic. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एक बहुत इमर्जिंग टॉपिक है जिस पे कि बहुत अटेंशन दे रहे हैं साइंटिस्ट, विद ए स्पेशल अटेंशन बीइंग फोकस्ड ऑन इट्स कंस्ट्रेंट्स एंड पोटेंशियल बॉटलनेक्स। सबसे ज़्यादा अटेंशन दिया जा रहा है जो इसके कंस्ट्रेंट्स हैं और जो पोटेंशियल बॉटलनेक्स हैं, जो इसके बहुत फ़ायदे हैं और साथ ही साथ में जो ड्रॉबैक हैं उन पर मेन फोकस किया जा रहा है। दिस इज़ बिकॉज फॉर ओवर द पास्ट 10 years there have been dramatic improvement of upstream productivity in both mammalian cell culture and bacterial fermentation process. लगभग last 10 years में बहुत ज़्यादा improvement हुआ है upstream processing में, mammalian cell culture में और even bacterial fermentation process में। इसीलिए जब upstream process vary कर रही है तो downstream process में भी changes आना ज़रूरी है। In any case, as manufacturing bottlenecks shift to downstream processes, the demand for innovation and workable solution in downstream processing has become increasingly clear. अगर manufacturing bottleneck downstream processing में shift हो रहा है, मतलब manufacturing में कोई भी जो दिक्कत आ रही है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसको कि अगर ज़रा सा भी छिड़ा गया तो वो दिक्कत कर सकती है, अगर ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में शिफ्ट कर रही है तो बहुत यहाँ पे ज़रूरी होता है कि नए नए इनोवेशन किए जाएं और एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया जाए इसके लिए जो कि वर्क करे और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग को क्लियर और एफिशिएंटली वर्क करवाए।
इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज्ड अपस्ट्रीम प्रोडक्टिविटी ऑन डाउनस्ट्रीम। अगर अपस्ट्रीम प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है डाउनस्ट्रीम पे, तो चलिए देखते हैं। व्हाइल अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस मे फेस सिमिलर चैलेंजेस इन प्रोसेस स्केल अप, जो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस हैं, ऐसा भी हो सकता है कि जब आप कोई भी प्रोसेस बना रहे हैं, कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसमें सेम चैलेंजेस आ रहे हैं। अपस्ट्रीम प्रोसेस में भी वही दिक्कत आ रही है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में भी वही दिक्कत आ रही है, जैसे कि इक्विपमेंट की दिक्कत है, स्पेस रिक्वायरमेंट है उसकी दिक्कत है, बफर और मीडिया के कंपोजिशन की दिक्कत है, प्रोसेस टाइम एंड प्रोडक्शन कॉस्ट की दिक्कत है। तो सारी दिक्कतें, ये प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में एक जैसी हो सकती हैं। सो द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी इज वेरी डिफरेंट ऑन डाउनस्ट्रीम एज कंपेयर टू अपस्ट्रीम। तो जो इम्पैक्ट होगा प्रोडक्टिविटी बढ़ने का, तो चैलेंजेस एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट होगा वो अलग अलग होगा। इम्पैक्ट कभी भी सिमिलर नहीं होगा। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट की अपस्ट्रीम प्रोसेस पे कुछ और दिक्कत आ रही है, तो उसका इफेक्ट सेम डाउनस्ट्रीम पे कुछ और होने वाला है। मतलब कि चैलेंजेस तो एक जैसे हो सकते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में, लेकिन जो उनका इफेक्ट पड़ेगा वो अपस्ट्रीम पे अलग होगा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस पे अलग होगा। अपस्ट्रीम प्रोडक्टिविटी इज मेनली ड्रिवन बाय बायोलॉजिकल एफिशिएंसीज। जो अपस्ट्रीम प्रोडक्टिविटी है, जो अपस्ट्रीम प्रोसेसेस हैं, वो बायोलॉजिकल एफिशिएंसीज से ड्रिवन होती हैं। और डाउनस्ट्रीम में मेनली आप प्योरिफिकेशन करते हैं प्रोडक्ट को, पैक करते हैं मार्केट में भेजना या कुछ भी, तो इसीलिए इनका इफेक्ट वेरी कर जाता है। व्हेन माइक्रोब्स प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट्स पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम स्पेस, जब माइक्रोब्स ज़्यादा आपका प्रोडक्ट बना के रेडी करते हैं, मेनी अपस्केल ऑफ फैक्टर्स रिमेन अनचेंज। बहुत से अपस्ट्रीम के फैक्टर्स होते हैं जो कि अनचेंज्ड रहते हैं, एंड द रिलेटिव प्रोडक्शन कॉस्ट इज मोस्टली टू डिक्रीज। और ऐसा होता है जब माइक्रोब्स अच्छा वर्क कर रहे हैं, प्रोडक्ट आपका ज़्यादा मिल रहा है, तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इन कंट्रास्ट फॉर अ डाउन प्रोसेस प्रोडक्टिविटी इज लार्जली ड्रिवन बाय इंजीनियरिंग एफिशिएंसीज। आपने देखा कि अपस्ट्रीम प्रोसेस में माइक्रोब्स अपना वर्क अच्छे से कर रहे हैं तो प्रोडक्ट बढ़ गया, एफिशिएंसी, प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ गई, लेकिन डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में क्या होता है, इंजीनियरिंग एफिशिएंसी, जो प्रोसेस चल रही है, मशीन्स कैसी हैं, वर्क कैसे हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगी प्रोडक्टिविटी। Therefore, any increase in biomass produced by upstream would require proportional increase in equipment size, buffer composition, space requirement, process time and production cost for downstream. तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि अगर बायोमास का प्रोडक्शन बढ़ रहा है अपस्ट्रीम प्रोसेस में, अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो यहाँ पे इक्विपमेंट है वो भी आपको बड़ा यूज़ करना पड़ेगा, बफर कंपोजिशंस ज़्यादा होगा, बफर का कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगा, स्पेस आपको ज़्यादा चाहिए होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, और प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग अब आपको करवानी है। प्रोडक्ट तो आपने बना लिया, लेकिन जब उसको प्योरीफाई करेंगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेस से, तो ज़्यादा प्रोडक्ट है तो ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट भी लगने वाली है। While upstream continues to push the limit of microbial systems to increase productivity, upstream process में continuously changes किए जाते हैं, upgrade किया जाता है, improvement किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा productivity मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा product yield मिल सके। Downstream scale-up process are often restricted by its physical requirements such as equipment size or facility space। जो अपस्ट्रीम प्रोसेस है इसमें कंटिन्यूस अपग्रेड होता रहता है, इम्प्रूवमेंट होता रहता है, लेकिन जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस हैं ये फिजिकल रिक्वायरमेंट से रेस्ट्रिक्टेड होते हैं।
जैसे कि इक्विपमेंट साइज है या फिर स्पेस है, ये रेस्ट्रिक्टेड होता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।